Yes, so we are back and we are discussing the compulsory series, and this is a paper which was asked in January 21 paper exam. Okay, तो कंपल्सरी क्वेश्चन की विशेषता आपको वापस से थोड़ा सा रिपीट कर दूं. एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, एक एनआई एक्ट का क्वेश्चन एंड बाकी कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में भी इन्होंने देखा, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा दैट एक पोर्शन रहता है यूजुअली सेक्शन 1 से लेकर जो सेक्शन 137 तक वाले जोन से, एंड एक उसके बाद वाले जोन से यूजुअली वी सी द क्वेश्चन. सॉरी, सेक्शन 1 से 121 तक एक जोन मैंने देखा है जहां आपके बेसिक्स वाले हैं, और उसके बाद या तो अकाउंट्स, डिविडेंड, सीएसआर, ऑडिटर्स, एक क्वेश्चन वहां से भी रहता है. तो आइए आज देखते हैं कि व्हाट फ्लेवर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज Jan 21 term. A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 100 each at par face value to the public by issuing a prospectus. The prospectus discloses the minimum subscription amount of 15 lakh rupees required to be received on application of shares, and the share application money shall be payable at 20 per share. Okay. The prospectus further reveals that A Limited has applied for listing of shares के लिए application हुआ है in 3 recognized stock exchanges of which 1 application has been rejected. ये भी लिखा रहेगा, लिखा था. The issue was fully subscribed and A Limited received an amount of so and so on share application. It then proceeded for allotment of shares. Examine the 3 disclosures in the above case study. एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का डिस्क्लोजर था, एप्लीकेशन मनी कैसे आएगा, लिस्टिंग वाली बातें थी. इन द अबव केस स्टडी व्हिच आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वायलेशन इफ एनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 3 बातें यहाँ पर हुई हैं, और क्या क्या चीजों का यहाँ पर उल्लंघन होता है या उल्लंघन हुआ है, तो वील बी ऑब्जर्विंग दोज पॉइंट्स. सबसे पहले आप यहां पर देखो कि अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज आपको रिफ्यूज कर देता है लिस्टिंग, यू कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट द शेयर्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और अलॉटमेंट के पहले, जैसा हम लोग हमेशा पढ़े हैं कंपनी लॉ में, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी आ गया होना चाहिए था. कंपनीज एक्ट में लिखा है 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, सेबी में कुछ और लिखा होता है जो आपने क्लासेज में भी सुना होगा. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का प्रोविजंस कंपनी लॉ के अनुसार हुआ है, क्या चीज़ों का उल्लंघन हुआ है, और अगर उल्लंघन होता है देन यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन आप अलॉटमेंट कर देते हैं और अलॉटमेंट सही नहीं अगर है तो यू हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम. तो आइए एक एक करके देखते हैं. नो अलॉटमेंट शैल बी मेड टू द पब्लिक अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब्ड, एप्लीकेशन मनी हैव बीन रिसीव्ड बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट, एंड द अमाउंट as per company law it is minimum 5% of the nominal amount or such other percentage as may be specified by SEBI. SEBI ke anusar it's actually 25% so far as I remember. So in the given question issued shares to the public disclosing the minimum subscription amount payable on application which is more than 5% of the nominal, as if you go according to the company law उल्लंघन नहीं है. और फिर एक reject हो गया था, वो बातें भी यहाँ पर आई थी. तो इस केस में what is happening that एक बार का आपको लगेगा चीजें फुलफिल हुई है, पर सेक्शन 40 में लिखा हुआ है दैट एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल बिफोर द ऑफर मेक एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑब्टेन परमिशन टू बी डेल्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट इट हैज नॉट ओनली द कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग बट फाइनली उसे परमिशन मिल जाना चाहिए. अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज उसे परमिशन नहीं देता है, फुल पेज 1 कि अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज अगर उसे परमिशन नहीं देता है, रिजेक्ट कर दिया है, एंड द कंपनी हैज वाइल प्रोसीडेड टू अलॉट, देन इट हैज वायलेटेड सेक्शन 40 एंड इट इज अ केस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट. चाहे तुम दिखाओगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेरे अचीव हो गए, मेरा एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू एज पर कंपनी लॉ मेरा होना चाहिए था, वो हो गया. मैं तो बोलूंगा सेबी का भी शायद नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ, एप्लीकेशन जो वैल्यू होता है वो 25% होना चाहिए था, वो भी नहीं आया है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब एक स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज कर दिया है, हाउ कुड यू प्रोसीड टू अलॉट. So this is a violation of Section 40 and this is a case of pure case of irregular allotment. और ऐसे situation में you have to refund the application money within the prescribed time. आपको ये application money refund करना चाहिए था. So this was a tricky one because usually you don't get such type of questions. And वो भी एक neglected zone मानते हैं लोग, सेक्शन 39, 40 पर ध्यान नहीं देते, बट रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला सेक्शन था. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ऐसे वायलेशन का. ओके, ले आउट वंस अगेन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन B Roman 1, B Roman 2, ये 3-3 मार्क्स का है. तो हमने क्या स्ट्रक्चर्स देखा है. यूजुअली पार्ट बी में कई बार 6 मार्क्स का भी कॉम्पोजिट क्वेश्चन होता है जिसमें सब पार्ट्स होते हैं, और कई बार 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन 3-3 मार्क्स आर ऑल्सो आस्क्ड इन पार्ट बी. सो नाउ व्हाट इज बी रोमन 1. 3 chartered accountants, Mr. Robert, Mr. Ram and Mrs. Rohini formed a LLP in the name of RN Associates LLP, practicing chartered accountants. SR Limited intends to appoint RN Associates LLP as auditors of the company. Language ध्यान से दिख रहा है आपको. Okay, examine whether they can appoint RN Associates LLP, a body corporate, as auditor. Very simple, पर लिखने का challenge क्या होगा. As per section 141, आइए देख लेते हैं वापस से. A body corporate cannot be appointed as auditor, but other than किसको allowed है. LLP पूरा लिखना होगा. Registered under LLP Act 2008, यानी कि Indian LLPs can be appointed. Understood? In the given case, proposal is valid as restriction marked for appointment for a body corporate is not applicable to LLPs registered under LLP Act. ये एग्जाम अगर LLP, फॉरेन LLP का क्वेश्चन होता then things would have become different. That is why we say LLP is registered under LLP Act. तो ये लाइन बहुत जरूरी होगा, आपके आंसर्स में देखा जाएगा whether you have mentioned this line. सिर्फ LLP लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा because foreign LLPs do not qualify under this relaxation. जो LLPs registered under LLP Act 2008 होंगे उन्हीं को ये सुविधा मिल सकती है. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. A company received a proxy form 54 hours before the time fixed for the start of the meeting. The company refused to accept the proxy form on the ground that the articles provided a proxy to be filed 60 hours before the meeting. Question का 2 parts है. Define proxy. पहला तो एक part आ रहा है define proxy. Second part आ रहा है यहाँ पर decide under the provisions whether a proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case. तो 2 parts हैं. तो इसमें पहले बताना पड़ेगा आपको. एनी मेंबर हु कैन अटेंड एंड वोट हैज अ राइट टू अपॉइंट अनदर पर्सन दैट इज नोन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ. देखो डिफाइन प्रॉक्सी को कितने ब्यूटीफुली दे हैव एक्सप्लेन. स्टूडेंट्स यूजुअली फॉरगेट टू मेंशन दिस लाइन. यानी आप एक चीज देख रहे हो कि आपके आंसर्स में बैकग्राउंड हमेशा थोड़ा सा आना चाहिए. बैकग्राउंड वो भी रिलेटेड बैकग्राउंड. अब प्रॉक्सी पूछे आप वहां पे नोटिस कोरम शुरू कर दोगे सर सब कुछ डाल दिया इसके पहले के पोर्शन के. दैट इज नॉट रेलिवेंट. Now, every proxy is received 48 hours shall be valid even if the articles provide for a longer period. So, proxy holder can compel. In fact, public company के articles में तो लिखा था if the articles of a public company provide a longer period than 48 hours, it shall be read as if 48 hours is mentioned. याद आया आपको? Okay. So this was the answer. Starting was very beautifully done. So section number अगर याद नहीं रहे, अगर section number याद नहीं रहे तो आप according to Companies Act, every member who has a right to attend and vote at the meeting can also appoint another person as proxy who can attend and vote on his behalf. Next question देखिए. राधेश्याम बोलकर लिखा हुआ है कुछ. Now what is this? Radheshyam borrowed a sum of 50,000 from a bank on the security of gold on 1/7/2019 under an agreement which contains a clause that bank shall have a right of a particular lien on the gold pledged with it. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है फुल पेज करिए एक बार. Now look here everyone, यहां पे क्या लिखा हुआ है. Now Radheshyam borrowed a sum of 50,000 from a bank on the security of gold on 1/7/19 under an agreement which contains a clause that the bank shall have a right of a particular lien. Language ध्यान से देखो. On the goods pledged with it. Radheshyam thereafter took an unsecured loan of 20,000 from the same bank for 3 months. अच्छा, यानी कि कुछ subsequent advances पर pledge के rights होते हैं या नहीं होते उन पर कुछ है. On 39/2019 he repaid the secured loan of 50,000 and requested the bank to release the gold pledged with it. The bank decided to continue on the the lien on the gold until that unsecured loan is fully repaid. क्या बैंक ऐसा कर सकता है? तो इसके लिए आपको rights of pledge वाले points याद आने पड़ेंगे और वहां पर एक क्लियर पॉइंट था कि बैंकर्स के पास जनरल लियन होता है फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ गुड्स बेल टू देम अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट कि दे कैन डू दैट. बैंकर्स के पास ऐसा अधिकार होता है. सो दे हैव अ जनरल राइट ऑफ लियन. ये लोग लिखना ही भूल गए. ओके, द बैंकर अंडर एन एग्रीमेंट हैज अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन अगेंस्ट द फर्स्ट सिक्योर्ड लोन. So bank's decision to continue the lien on the gold until the unsecured loan is not valid. ये क्या चीज हो रहा है सर? दो conflicting बातें क्या हैं? फुल पेज करिए. I would like to zoom and show them. So देखो, ये तो एक general lien की बात हुई थी. They can retain as a security for a general balance of account of any goods bail to them. Section 171 empowers the banker with a general right of lien in the absence of a contract whereby the banker can retain the goods belonging to another party until all the dues are discharged. In the first instance, the banker under an agreement has a right of particular lien, which has already been fully repaid by Radheshyam. Accordingly, the bank's decision to hold the lien on the gold until the unsecured loan is not valid. तो ये language जो है that they have a general lien. इसके बारे में आप क्या लग रहा है, कौन सा पोर्शन सही है? लेआउट वंस देखिए, आपको मैंने बोला कि जनरल लियन होता है, बट इस क्वेश्चन में आंसर में देखो, एक लाइन मैंने आपको वापस दिखा रहा हूं. बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको एक बार का, बट वंस द लाइन इज अंडरस्टूड देन द थिंग्स बिकम वेरी क्लियर. दे हैव अ जनरल लियन लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ाया आपको. अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कि ना, यहां पर जनरल लियन नहीं एक्सरसाइज होगा. सो तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था दैट दे हैव अ पर्टिकुलर लियन. फैंटास्टिक, दे हैव अ पर्टिकुलर लियन, ये क्लियरली लिखा हुआ था. इसलिए ऑल्दो दे हैव अ जनरल राइट ऑफ लियन, दे कैन रिटेन इट फॉर ऑल द ड्यूज विच एवर इज नॉट पेड, बट क्योंकि पर्टिकुलर लियन वर्ड लिख दिया है तो अब ये बैंक की तरफ से गलत हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने बात करके रखा था कि पर्टिकुलर लियन का केस है. देयरफॉर दिस इज नॉट वैलिड. ये बात सही लिखी हुई है. यस, क्योंकि ऊपर थ्योरी में क्या लिखा था? बैंकर्स फैक्टर्स दे हैव अ जनरल लियन अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट. सो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस. सो दे आर आस्किंग न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पर. एंड इफ दे आर रिपीटेड, सो यू शुड हैव प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन एडवांस अर्लियर. वेरी गुड क्वेश्चन. उसके अलावा आप देखो, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एनआई एक्ट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग. अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली ड्रॉन बाय आर फॉर अ सम ऑफ 10,000. ये दो क्वेश्चन थे यहां पर, नहीं एक ही. हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली ड्रॉन बाय आर फॉर अ सम ऑफ 10,000 बट एक्सेप्टेड बाय एस ओनली फॉर 7,000. ये कैसा चीज हुआ? तो लिखा हुआ, इफ द होल्डर गिव्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का केस है. लैंग्वेज मिल रहा है आपको? वेयर इट अंडरटेक्स द पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द सम ऑर्डर टू बी पेड. मिला है लैंग्वेज? विच में आइदर बी रिजेक्टेड बाय आर, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है ऐसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को, और ही मे गिव एसेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ 7,000 ओनली. वेरी इंटरेस्टिंग. या तो पूरा रिजेक्ट कर सकता है, और हो सकता है कि वो 7,000 के लिए तो वैलिड मान ही लेगा. सो दीज आर वेरी टिपिकल क्वेश्चंस. इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड अर्लियर, यू विल बी इन डीप ट्रबल. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन नंबर 1 यूजुअली आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इट इज स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट. अगर क्वेश्चन 1 में बहुत मिस्टेक्स होने लग जाएं, आप पहले नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपको चूज करके करना है पहले वो करिए. क्वेश्चन 1 और सोच कर रीड बिटवीन द वर्ड्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस. ये देखो, पर्टिकुलर लियन में एक शब्द से कितना बड़ा चेंज यहां पर आ गया. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन.